हेलो गाइस, इट्स मी आस्था। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ माय चैनल। हम सभी पेट्स को पालते हैं, लेकिन हम सभी नॉर्मल पेट्स को पालते हैं, जैसे डॉग, पैरेट, कैट, ये सब। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत डेंजरस, जैसे लियन, पेंगुइन, बियर, यहाँ तक कि क्रोकोडाइल, इनको भी अपने घर पे पालते हैं और इनके साथ रहते हैं। ये सुन के ही आपको शॉक लगा होगा ना। यहाँ तक कि ये जानवर भी उनके साथ बड़े मजे में रहते हैं। जिन जानवरों को छूने से भी हम लोग डरते हैं, वो लोग इनके साथ पूरा दिन हंसते खेलते बिता देते हैं और ये जानवर भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। हम आपको ये बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे जिन जानवरों को हम लोग खतरा समझते हैं, वो भी आपसे प्यार कर सकते हैं अगर आप उनसे प्यार करो तो। अगर आप उनसे अच्छे तरीके से बिहेव करो, उनका ख्याल रखो, तो कैसे डेंजरस से डेंजरस जानवर भी आपका हो जाता है। तो चलिए फिर आपका ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं और अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, जेसिका द हिप्पो। हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे केसेस सुने हैं जिसमें हिप्पोस ने ह्यूमंस पर अटैक किया है और यहाँ तक कि उन्हें मार भी दिया है, उनके डेली रूटीन में प्रॉब्लम करने के लिए या उन्हें परेशान करने के लिए। अफ्रीका का इतना खतरनाक जानवर होने पर भी जेसिका द हिप्पो इनकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। शर्ली और उसके पति टोनी ने 2000 में, जब ये बहुत छोटी थी, उसे अपने घर में पालना शुरू किया था। ये फ्लड में अपनी माँ से बिछड़ गई थी, तब से इसे अपने बच्चे की तरह ही पाल के उन्होंने इसे बड़ा किया है। इसे बाकी ह्यूमन से इंटरेक्ट होना अच्छा लगता है और उनके साथ खेलना भी इसे बहुत पसंद है। जो लोग इससे मिले हैं, उन सबका नजरिया हिप्पोस को लेके एकदम बदल गया है। नंबर 4, पेस्क्वालिना द वाइल्ड बोर। यह 3 साल की बोर है जिसको कडल करना बहुत पसंद है। इसका अभी का वजन 100 पाउंड का है। ये एक इटालियन कपल के साथ रहती है जो इसे अपने खुद के बच्चे की तरह ही पालते हैं। उन्होंने इसे एक बार फॉरेस्ट में भूख से तड़पते हुए देखा था और फिर उन्होंने इसे पालना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जैसे जैसे ये बड़ी होगी, ये रियल डॉग की तरह बिहेव करने लगेगी। इसे भी डॉग्स की तरह बॉल के साथ खेलना बहुत पसंद है। नंबर 3, एजी द पोलर बियर। पोलर बियर्स दुनिया के सबसे खतरनाक कार्निवोरस माने जाते हैं, लेकिन ये आदमी हर दिन सुबह इसके साथ स्विमिंग करता है। यह बात आप बिलीव करोगे? पहले मार्क ड्यूनस ऐसे आदमी हैं जो इसके साथ स्विम करते हैं और अभी तक जिंदा है। ये एक 60-year-old प्रोफेशनल ट्रेनर है। ये एक लौता ऐसा आदमी है जिसने पोलर बियर को अपना पेट बनाया है। ये पोलर बियर 800 पाउंड का है। ये इसके साथ हर दिन सुबह सुबह स्विमिंग एंजॉय करते हैं और बहुत ही आलीशान तरीके से करते हैं, और इसके साथ रेसलिंग भी करते हैं और इसे इस कदर सिखाते हैं मानो कि ये कोई छोटी सी पपी हो। नंबर 2, डिंडिम द पेंगुइन। ये एक ऐसी पेंगुइन है जो अपने ह्यूमन सोलमेट के पास एक बार साल में वापस जरूर जाती है। ये साउथ अमेरिका की मैजेलैनिक पेंगुइन है जो कि स्टार्व करते हुए पाई गई थी रायो डी जेनेरो में एक 71-year-old फिशरमैन वाइल कियारा द्वारा। उसको अपने पास लाने के बाद और उसकी थोड़ी केयर करने के बाद इनके बीच का रिश्ता बहुत ही प्यारा बन गया। ये डिमडिम जो कि नॉर्मली 5,000 से 6,000 miles तक का ही ब्रीथ करती थी 2011 तक, वो अपना हैबिटेट छोड़ के वापस ब्राजील की ओर चली जाती है हर साल उस फिशरमैन सोलमेट के साथ उसके घर पे रहने के लिए। कितना अनोखा रिश्ता है ना इनका। नंबर 1, पोचो द क्रोकोडाइल। ये एक अमेरिकन क्रोकोडाइल था जो अपने एक यूनिक रिलेशनशिप जो कि एक लोकल फिशरमैन चीटो शेडिन के साथ है, उसकी वजह से दुनिया भर में फेमस है। इसने इस क्रोकोडाइल को
बो रिवर के पास लगभग आधा मरा हुआ पाया था और उसके बाद उसकी देखभाल करना शुरू किया। और वापस जब वो उसको वाइल्ड में छोड़ने गया तो उसने वापस जाने से मना कर दिया और ये चीतों के पास वापस आ गई। इन लोगों के बीच का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि अब तो ये लोग प्ले भी साथ में करते हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।